जाएंगे हम वहां जहां की हर खबर छुप जाती है और दिखाएंगे वो जो रहता है आपकी नजरों से ओझल। हाईवे पर बाइक सवार बदमाशों ने बिजनेसमैन से लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पिस्तौल के दम पर बदमाशों ने कार रुकवाकर तोड़फोड़ की, मारपीट कर बिजनेसमैन की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर बैग छीन ले गए। दौलतपुरा थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में लगी है। पुलिस ने बताया कि लूट की वारदात देवधारा कॉलोनी मुरलीपुरा निवासी अरविंद खंडेलवाल के साथ हुई। वह लक्ष्मी नारायणपुरा दौलतपुरा स्थित रेटेरिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर है। 2 मार्च को रोज की तरह करीब 8:15 पे अपनी कार से कंपनी से घर जा रहे थे। महज 100 मीटर दूरी पर ही रोड पर एक व्यक्ति कुछ बिखरा सामान इकट्ठा कर रहा था। कार साइड से निकालने के लिए बिजनेसमैन अरविंद ने ब्रेक लगाए। सामान इकट्ठा कर रहा व्यक्ति एकदम से खड़ा हुआ और उसके ऊपर पिस्तौल तान दी। तभी उसका एक और साथी आ गया। दूसरे बदमाश ने पत्थर मारकर कार का सामने वाला शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़कर कार का गेट लॉक खोलने को कहा। लॉक नहीं खोलने पर साइड का शीशा भी तोड़ दिया। बिजनेसमैन अरविंद ने घबराकर लॉक खोल दिया। बदमाशों ने उसको पकड़कर कार से बाहर निकाल लिया। साइड से उसके चाकू गर्दन पर लगाकर कार के टायर के पास नीचे जमीन पे दबा दिया। आंखों में मिर्च पाउडर डालकर बैग लूट लिया। बैग में करीब 3,31,000 रुपए, लैपटॉप सहित अन्य सामान रखा था। बैग लूटने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। पीड़ित बिजनेसमैन ने पुलिस को बताया कि उसे लगता है वारदात स्थल से करीब 50 फीट दूरी पर एक बाइक स्टार्ट खड़ी थी। स्टार्ट बाइक लेकर खड़े साथ ही बदमाश के साथ बैठकर दोनों बदमाश फरार हो गए।